अभी जो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 और उसमें हम स्टार्ट करेंगे 6 क्वेश्चन से, इसमें जिसमें है इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, ये इसका फिगर दिखा रखा है पी क्यू आर एस, ये पैरेललोग्राम है विद एस पी क्यू, एस पी क्यू यानी एस से स्टार्टिंग पी पे एंगल बनेगा और क्यू की साइड में हम जाएंगे एस पी क्यू एंगल, वैसे इसने डिसाइड कर रखा है फिगर के अकॉर्डिंग ये है 80 डिग्री। एस क्यू आर एस से स्टार्ट करें क्यू पे आए और एस की साइड में, ये एस क्यू आर का मतलब एस से स्टार्ट करें क्यू पे आए और आर की साइड में जाए एस क्यू आर, इसका मतलब ये जो एंगल है एस क्यू आर बोला जाएगा। फिगर में निशान भी दे रखा है इस पे 45 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एस आर एस क्यू, अब इसका मतलब ये तो गिवन के अकॉर्डिंग फिगर से हमें पता चल गया था कि कौन कौन से एंगल हैं, अब ये पता करना है जो फाइंड आउट करना है वो कौन सा एंगल है आर एस क्यू, यानी आर से स्टार्टिंग ले एस की साइड में और फिर क्यू की साइड में, तो इसका मतलब ये एंगल आर एस और फिर क्यू की साइड में आएंगे, तो ये एंगल हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो दूसरा जो है पी एस क्यू, पी से स्टार्ट लें एस और फिर क्यू की साइड में, ये एंगल पी से स्टार्ट एस पे और फिर क्यू की साइड में, इसका मतलब ये एंगल फर्स्ट ये और सेकंड ये दोनों एंगल्स हमने इसमें फाइंड आउट करके दिखाना है। अगर ये पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है तो हमें पता है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो जो 80 एंगल दे रखा है उसके अपोजिट कौन सा हो जाएगा आर वाला, इसका मतलब ईस्ट एंगल में जो आर पे जो एंगल बनेगा वो 80 डिग्री होगा, एंगल आर इन पैरेललोग्राम या आर को एस आर क्यू लिख लें, एंगल एस आर क्यू कितना हो गया, जो अपने पास एंगल इसने 80 दे रखा था उसका नाम लिख रखा था एस पी क्यू, एस आर क्यू किसके इक्वल होगा एंगल एस पी क्यू यानी पी पे जो बनेगा उसके, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 80 डिग्री, 180 गलत लिख दिया, तो ये एंगल हो गया 80 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में की बात करें तो ट्रायंगल में दो एंगल्स हैं, तीसरा एंगल अगर हम फाइंड आउट करें तो दो एंगल्स का सम 180 में से माइनस करवा दे ट्रायंगल में तो तीसरे एंगल की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 बनेगा, अगर दो एंगल्स की वैल्यू पता है तो दो का सम करवा के 180 में से माइनस करवा के ट्रायंगल का तीसरा एंगल निकाला जा सकता है। तो जो एंगल हमने फाइंड आउट करना है वो ये है जिसका नाम आर एस क्यू, आर एस क्यू, और हम कह रहे हैं कि इसको हम कैसे निकालेंगे ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 और इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम जिसमें हमें अब दो एंगल्स पता है और एक एंगल की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 180 में से 80 प्लस 45 इन दोनों का सम माइनस हो जाएगा, तो ये 180 और ये बनेगा फिर 125 और इसमें से 125 माइनस होगा तो आएगा कितना 55। ये आगे वैल्यू इस एंगल की बच गया कौन सा, ये वाला एंगल इस एंगल के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बोला जा सकता है जब पैरेलल लाइंस यूज होती हैं, तो इसका मतलब अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या है पैरेलल, और ये जो है ये ट्रांसवर्सल, इनको एक जो थर्ड जो लाइन इंटरसेक्ट करती है पैरेलल लाइंस को उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं, और अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर, यानी ये पैरेलल लाइन से ऊपर की साइड में बन रहा है और ये पैरेलल लाइन से नीचे की साइड, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर की साइड में है, पैरेलल लाइंस के अंदर है, और अल्टरनेट का मतलब अपोजिट साइड्स में है, तो जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो जो अपने पास थर्ड जो लाइन इनको इंटरसेक्ट करती है इसके अल्टरनेट इंटीरियर जो एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये 45 वाले के इक्वल आ जाएगा, तो जो एंगल
पी एस क्यू हमने फाइंड आउट करना है वो गिवन एस क्यू आर के इक्वल लिखा जा सकता है, एस क्यू आर। और एस क्यू आर की वैल्यू 45 थी तो इसकी भी कितनी आ जाएगी, 45। और रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पैरेलल लाइंस में जब एक तीसरी जो ट्रांसवर्सल लाइन बोली जाती है वो इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इस टाइप से ये हो गया सिक्स्थ क्वेश्चन। सेवंथ है, इन ए पैरेललोग्राम एबीसीडी, एबीसीडी पैरेललोग्राम दे रखा है, इसके फिगर बना के दे रखा है बुक में। ये मान लिया ए बी सी और डी, ये पैरेललोग्राम है विद एंगल ए 70 डिग्री। इसमें जो ए एंगल बनेगा वो 70 दिखा रखा है पैरेललोग्राम में। दी बाइसेक्टर ऑफ बी एंगल बी एंड एंगल सी मीट्स एट पी इनसाइड, इसका मतलब पैरेललोग्राम के इनसाइड का मतलब पैरेललोग्राम के अंदर होंगे कौन सी चीजें जो एंगल बी और एंगल सी को बाइसेक्ट करेंगी। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ये एंगल बी को बाइसेक्ट करेगा और ये एंगल सी को, और ये इंटरसेक्ट करेंगे पैरेललोग्राम के अंदर पी पॉइंट पे। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी पी सी, बी से स्टार्ट करें पी पे आए सी की साइड में जाए, इसका मतलब इस एंगल की बात कर रहा है बी पी सी, जो बीच में जो पॉइंट होता है उस पॉइंट पे एंगल बनता है। इस एंगल को हमने फाइंड आउट करना है तो जिन एंगल्स के हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं या तो हम उनके वैल्यूज फाइंड आउट कर लें, या अगर वैल्यू फाइंड आउट नहीं भी करते हैं हम तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। पैरेललोग्राम में बी और सी का जो सम है वो कितना आएगा 180, एडजेसेंट एंगल होने के रीजन से। जब इस एंगल की बात करेंगे हम तो ये बी का हाफ हो जाएगा, और इसकी बात करेंगे तो ये कंप्लीट सी का हाफ हो जाएगा। ये कंप्लीट बी का हाफ, ये कंप्लीट सी का हाफ। क्यों? क्योंकि ये इन एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रॉ हुए थे, तो हाफ इस साइड में और हाफ इस साइड में, इसी वजह से ये हाफ इस साइड में और हाफ ऊपर की साइड में। तो इसमें अगर ए की वैल्यू नहीं भी दे रखी होती तो भी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते थे। तो कंप्लीट एंगल सी को तो क्या लिखें भाई, डी सी बी, एंगल डी सी बी प्लस कंप्लीट एंगल बी को क्या लिख लेते हैं ए बी सी, और इनका सम कितना दिखाते हैं फिर हम 180 डिग्री। इसका रीजन देते हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल हैं बी और सी, इसलिए इनका सम कितना आया 180। अब हम किसकी बात करें, इस एंगल की, ये कंप्लीट बी का हाफ है तो बोथ साइड टू से डिवाइड कर दें हम। दिस इंप्लाइज इसको भी टू से डिवाइड कर दिया, हाफ हो गया फिर इसका डी सी बी। बोथ साइड टू से डिवाइड करने का मतलब इस इक्वेशन में जितनी भी चीजें हैं वो सब टू से डिवाइड हो जाएंगे, इसका मतलब ये सी वाले एंगल का हाफ हो गया। इसी एंगल कंप्लीट यूज किया था हमने तो सी का हाफ, सी के हाफ को हम ये पार्ट भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। हमने पी एंगल की वैल्यू निकालनी है तो हम ट्रायंगल के एंगल्स की को यूज करेंगे, दो एंगल्स का सम निकाल देंगे इस एंगल में, सी वाले का और बी वाले का, और फिर थर्ड एंगल फाइंड आउट करेंगे तो दो एंगल के सम को 180 में से माइनस करवा देंगे तो ट्रायंगल का थर्ड एंगल आ जाएगा, यानी पी की वैल्यू हम फिर इन दोनों के सम को 180 में से माइनस करके निकाल लेंगे। तो हमने हाफ कर लिया बोथ साइड, तो ये हो गया सी का हाफ। सी के हाफ को हमने ये पार्ट लिख दिया पीसीबी, इस एंगल को लिख दिया हमने पीसीबी, और बी के हाफ यानी इस पार्ट को हमने लिख दिया पीबीसी, और ये हाफ होके कितना हो गया 90 डिग्री, 180 को 2 से डिवाइड किया तब। अब इसका मतलब हमने
एक इस एंगल की वैल्यू और इस एंगल की वैल्यू, दोनों की वैल्यू का सम बता दिया है 90। तो इसका मतलब इस ट्रेंगल में इंट्रेंगल पी बी सी, इंट्रेंगल पी बी सी ऑल थ्री एंगल्स का सम कितना आएगा 180। तो थ्री एंगल्स में इसमें जो फाइंड आउट करनी थी वैल्यू पी बी सी, ये सॉरी बी पी सी, ये फाइंड आउट करनी थी। इस ट्रेंगल में बात करें हम तो ये एंगल पी बी सी का मतलब ये वाला, और बाकी जो सी और बी पे बनेंगे वो ये पी सी बी प्लस पी बी सी। पी सी बी का मतलब ये एंगल और पी बी सी का मतलब ये एंगल। इसका मतलब हमने इस एंगल के पी बी सी के तीनों एंगल्स का सम किया है तो वो कितना होना चाहिए 180 एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। इस एंगल की वैल्यू हमने निकालनी है पी बी पी सी प्लस इन दोनों का सम हमने ऊपर फाइंड आउट कर लिया है 90 और ये 180। तो इसका मतलब अगर बी पी सी निकलेगा तो 90 दूसरी साइड में जाके 180 में से सबट्रैक्ट होके कितना रिजल्ट देगा 90 डिग्री। तो इस एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। इसका मतलब इसमें ए एंगल का कोई रोल नहीं है। अगर हम एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करके निकालते तब ए एंगल का रोल होता। एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करके कैसे निकाल सकते थे, अगर ये पैरेललोग्राम था तो एंगल सी को कितना लिखते हम, ए के अपोजिट होता तो कंप्लीट सी 70 आता, फिर ये बाइसेक्ट होता तो 35 इस साइड में और 35 ऊपर की साइड में, ऐसे होता ये। फिर एंगल बी निकालते ए से तो ए और बी एडजेसेंट एंगल्स थे, दोनों का सम 180 होना चाहिए था तो बी की वैल्यू 110 आती उस हिसाब से। इन दोनों का सम 180 बनेगा तो बी कितना होगा 110, तो कंप्लीट बी 110 होगा। तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा बाइसेक्ट का मतलब, तो ये 55 इस साइड में रह जाएगा और 55 इस साइड में। फिर अगर इस वैल्यू इसकी वैल्यू निकालते तो वही बात करते हम, इस एंगल में बी और सी का सम 90 बन जाता और दो एंगल्स के सम को 180 में से सबट्रैक्ट करवाते तो थर्ड एंगल की वैल्यू आ जाती। इसका मतलब अगर ए एंगल दे रखा था तो इस एंगल की वैल्यू पूछता तो भी बता देते हम, इसकी वैल्यू पूछता तो भी बता देते। ये था 7th क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। अब की बार जो है पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम दिया है, पैरेललोग्राम का नाम चेंज कर दिया है एबीसीडी की बजाय पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस ये पैरेललोग्राम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, ये इन एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। यानी ये फिगर दिखा रखा है बुक में अपने पास, डायगोनल्स यूज कर रखे हैं इसके, इस एंगल को 80 दिखा रखा है, इसको एक्स, इस एंगल को जेड और इस एंगल को वाई, और ये जो एंगल है ये दिखा रखा है 50 डिग्री। अब इसमें एक्स वाई जेड निकालना हमें, तो एक ही लाइन के ऊपर अगर दो एंगल्स बनते हैं तो उसको लीनियर पेयर बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन पे अगर टू एंगल्स यूज हो रहे हैं तो उनको लीनियर पेयर बोल लेंगे, और उनका जो सम है स्ट्रेट लाइन पे कंप्लीट एंगल 180 डिग्री होता है। तो लीनियर पेयर में दो एंगल्स का सम कितना दिखाया जाएगा 180 डिग्री। एक्स प्लस 80 ये दोनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, तो इन दोनों का सम कितना दिखाएंगे हम 180, और इसका रीजन लीनियर। यहां से फिर x की वैल्यू निकल जाएगी 180 माइनस 80 यानी 100 डिग्री आ जाएगी x की वैल्यू। दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो x के जो अपोजिट आएगा वो भी 100 हो जाएगा, या ये इस साइड में लीनियर पेयर बनाता तो इस साइड में 180 तो इस साइड में 100 बचता। x इज इक्वल टू इस एंगल को हम लिख सकते हैं, क्या लिखें इसको, इंटरसेक्शन पॉइंट को नाम दे लेते हैं ओ, एंगल पी ओ क्यू।
एंगल पी ओ क्यू एक्स एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो एक्स की वैल्यू 100 थी तो इसकी भी कितनी हो जाएगी 100। इसका रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली जो अपोजिट एंगल्स बनेंगे दो लाइन के इंटरसेक्शन से वो क्या होंगे इक्वल। अब इस एंगल में दो एंगल्स की वैल्यू होगी, तीसरा निकाल सकते हैं हम इंट्रेंगल पी ओ क्यू, इस एंगल में अगर वाई की वैल्यू निकलेगी तो 180 में से दो एंगल्स का सम माइनस हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं ये रिजल्ट, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये 150 हो जाएगा और 150 180 में से सबट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अगर ये पैरेललोग्राम है तो वाई और जेड दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, यानी ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन और इनको इंटरसेक्ट करने वाली थर्ड लाइन जिसको हम ट्रांसवर्सल बोल रहे आरपी है, तो इसका मतलब ये इस पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल को टच करने वाला इस साइड में एंगल ये बनता है और इसमें दूसरी साइड में पैरेलल और ट्रांसवर्सल को टच करने वाला एंगल ये बनता है। तो ये दोनों एंगल किस टाइप के हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसका पहले भी क्वेश्चन में हमने जिक्र किया है। तो वाई इज इक्वल टू जेड और वाई की वैल्यू 30 थी तो इसकी भी क्या हो जाएगी 30। इसका रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये हो गया 8th क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में एबीसीडी पैरेललोग्राम है, फिर एबीसीडी हमने पैरेललोग्राम बनाना है, ए बी सी और डी, ए डी बी, ए डी और बी की साइड में जाना है, यानी इस एंगल की बात कर रहा है, ये है 52 डिग्री। सी डी बी, सी डी और बी, ये एंगल बता रहा है 30 डिग्री। बी सी है इसमें 6.3, सी डी है 10, इसमें अपने पास फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करना है ए बी डी एंगल एंड ए डी बी को चेक करते हैं, ए बी डी, ए बी और डी, ये एंगल हमने इसमें फाइंड आउट करके दिखाना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क दिखा लेते हैं इस पे, दूसरा जो है डी बी सी, डी बी सी, ये एंगल फाइंड आउट करके दिखा, इन दो एंगल्स की वैल्यू हमने निकाल ली। तो इसको हम कैसे सोल्व करें, पैरेललोग्राम में ये एंगल कंप्लीट फाइंड आउट हो सकता है, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, जो डी वाला एंगल है इसको ए डी सी लिख दे, ए डी सी, और इसकी जो वैल्यू आएगी इन दोनों के सम के बराबर, तो ये हो जाएगा 52 प्लस 30 और ये हो गया 82 डिग्री। पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 82 डिग्री है तो उस के सभी एंगल्स अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका मतलब कंप्लीट बी की वैल्यू या अल्टरनेट इंटीरियर के हिसाब से भी इसकी वैल्यू हम लिख सकते थे, उससे जल्दी हो जाता ना। 30 के अल्टरनेट इंटीरियर ये बड़ा हो जाएगा, यानी जो फर्स्ट जो पार्ट बताया था ए बी डी, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी किसके इक्वल आएगा, इस एंगल की बात कर रहे हैं हम, ए बी डी जो इसके अल्टरनेट इंटीरियर बन रहा है, तो उसको सी डी बी के इक्वल लिख देंगे, एंगल सी डी, सी डी बी, यानी ये एंगल, और ये एंगल कितना है फिर गिवन के अकॉर्डिंग 30 है, और ये इसके इक्वल किस लिए बन रहा है, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल इसमें बीडी बन रही है इसको टच कर रहा है, दूसरा इस पैरेलल लाइन इसके पैरेलल एबी है इसको और इस ट्रांसवर्सल को टच कर रहा है, तो
तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर हो गए, दोनों की वैल्यू क्या होगी इक्वल। इसके बाद एंगल डीबीसी जो निकालना है हमने, डीबीसी का मतलब ये वाला जो एंगल है ये अल्टरनेट इंटीरियर किसके हो जाएगा 52 वाले पे, और 52 को क्या नाम दे रखा है ए डी बी, और रीजन वही ऊपर वाला। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में है प्रूव दैट ए बी डी एंड ट्रायंगल सी डी बी, यानी ये एंगल हमने इसके अल्टरनेट इंटीरियर बोल के अब 52 डिग्री दिखा दिया है, और ये अल्टरनेट इंटीरियर बोल के 30 डिग्री दिखा दिया है। अब इसका हम सेकंड पार्ट करें, जगह इसमें ट्रायंगल ए बी डी एंड जो दूसरी जो ट्रायंगल है वो है सी डी बी। ट्रायंगल्स को जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो ट्रायंगल्स वो कॉन्ग्रुएंट वो ट्रायंगल्स होती हैं जो बिल्कुल शेप और साइज में एक दूसरे के इक्वल होती हैं। और ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के अपने पास 3-4 रूल होते हैं जो हम 9th क्लास में प्रूव करके दिखाएंगे। एक होता है एस ए एस, ये एक्जिमो है अपने पास, यानी इस रूल के अकॉर्डिंग जब एक ट्रायंगल को हम चेक करेंगे दूसरी ट्रायंगल के, तो फर्स्ट ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल को कंप्लीटली कवर करेगी, तो इसका मतलब वो दोनों बिल्कुल इक्वल हो जाती हैं, इसलिए कॉन्ग्रुएंट बोली जाती हैं। ये एक्जिमो में आता है एस ए एस रूल। इसके बाद ए एस ए एक रूल ये है, इसका मतलब एक साइड और उस पे दो एंगल्स यूज होते हों, फर्स्ट ट्रायंगल में और दूसरी ट्रायंगल में भी एक साइड पे दो एंगल्स यूज होते हों और वो आपस में इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। फर्स्ट ट्रायंगल की तीनों साइड्स अगर दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल आती हो तो वो ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और आर एच एस होता है एक, यानी दोनों ट्रायंगल्स राइट एंगल हो और दोनों ट्रायंगल्स के हाइपोटेन्यूस इक्वल हो और दोनों ट्रायंगल में एक एक साइड भी इक्वल आती हो, तो आर एच एस रूल से दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोला जा सकता है। इस रूल को हम सिंपली वे में ए ए एस रूल से भी कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। ये 4-5 रूल हैं जहां से ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोला जा सकता है। इसका जो डीप जो स्टडी है वो 9th क्लास में होगी, अभी हम इसको सॉल्व ही कर लेते हैं क्योंकि सारे रूल्स हम प्रूव नहीं करवा सकते अभी इसके लिए। अब इसमें जो हम बता दें कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में जैसे नाम लिख रखा है उसके अकॉर्डिंग कोरस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। जैसे ए बी है, ए बी सी डी के इक्वल होना चाहिए, अगर हमें रीजन मिलता है तो हम इसको बता देंगे। ए बी और सी डी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड से इसलिए क्या होंगी इक्वल, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव होनी है तो ए बी किसके इक्वल होना चाहिए सी डी के। इनमें से कोई भी एक रिजल्ट हमें मिल जाएगा तो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। एबीसीडी के इक्वल होने का रीजन क्या हुआ, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। फिर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में यानी लास्ट टू पॉइंट्स में इसमें बीडी बन रहा है, इसमें डीबी, बीडी और डीबी एक ही लाइन है, इसका मतलब ये इन दोनों ट्रायंगल्स में एक ही लाइन यूज हो रही है, तो बीडी और लास्ट टू पॉइंट से डी बी, इसमें लास्ट टू से बी डी बना था, इसमें डी बी, ये दोनों क्या हो गए इक्वल। ये एक ही लाइन की बात कर रहे हैं हम दोनों ट्रायंगल्स में, तो ये दोनों में कॉमन है, एक ही लाइन यूज हो रही है दोनों ट्रायंगल्स में, तो उसको क्या बोलेंगे हम कॉमन, इसलिए ये क्या होगी इक्वल। इसके बाद ए डी और सी बी, ए डी और सी बी, ए डी और सी बी, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट से इसमें ए डी और इसमें सी बी, ये दोनों साइड्स किस लिए इक्वल हैं, ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड से, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड से इक्वल होती हैं, तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये तीन चीजें अगर हमने इक्वल यूज कर ली हैं तो देयर फोर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट बन गई है ट्रायंगल सी डी बी के। किस रूल से, तीनों साइड्स इक्वल दिखाई है तो ट्रिपल एस, फर्स्ट ट्रायंगल की तीनों साइड सेकंड ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल आती हैं, तो साइड 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 रूल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं।
बाई ट्रिपल एस रूल, इस चीज का प्रूफ हम नाइन्थ क्लास में सीखेंगे भाई। लास्ट पार्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी एंड ए डी, ए बी एंड ए डी इन दोनों की लेंथ बताने हमने। तो ए बी तो सी डी के इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है सी डी के, और सी डी की वैल्यू कितनी है 10, तो ए बी कितना हो जाएगा 10, यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो ये हो जाएंगी 10। इसका रीजन हमने लिख रखा है ए बी और सी डी का इक्वल होने के कारण अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसके बाद ए बी आ गया अपने पास ए डी, ए डी किसके इक्वल है बी सी के, तो बी सी है 6.3, तो जो अपने पास ए डी है वो किसके इक्वल बी सी या सी बी, तो ये कितनी हो जाएगी 6.3, और इसका रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये दोनों साइड्स इक्वल थी और इनमें से एक की वैल्यू दे रखी तो दूसरी भी इसके इक्वल हो जाएगी। ये है नाइन्थ क्वेश्चन। अब है लास्ट टेंथ, जिसमें है इन द गिवन फिगर एबीसीडी पैरेललोग्राम, इसमें भी एबीसीडी को पैरेललोग्राम बताया है। फिर से एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी और डी, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम एंड लाइन्स इज मेड्स ए, नीचे से दिखा रखा है फिगर में, बुक के अकॉर्डिंग अगर इसको लिखते हैं तो ऐसे लिख रखा है, ए यहां से स्टार्ट किया ए बी सी और डी, एंड लाइन्स इज मेड्स ए ई, इस टाइप से दिखा रखा है फिगर में, ये है ए ई लाइन्स इज मेड एंड सी एफ, ये सी एफ लाइन इज मेड, बाइसेक्ट एंगल ए एंड सी, इसने इस लाइन सेगमेंट ने एंगल ए के दो इक्वल पार्ट्स किए और इस लाइन सेगमेंट ने एंगल सी के दो इक्वल पार्ट्स, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल और ये दोनों एंगल्स इक्वल, रिस्पेक्टिवली शो दैट ए ई पैरेलल सी एफ, ए ई और सी एफ को हमने पैरेलल प्रूव करना है, ए ई और सी एफ को पैरेलल प्रूव करने के लिए या तो हम कंजुगेट, जैसे हम क्या करते हैं कि जब लाइंस पैरेलल होती है, लाइंस पैरेलल होती है तो, या इसको पैरेललोग्राम भी हम प्रूव कर सकते हैं, जब ट्रांसवर्सल लाइन इसमें इंटरसेक्ट हो रही है तो पैरेलल लाइंस में एंगल्स की क्या कंडीशन होती है, हमने बताया था कि ये अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं और इक्वल होते हैं। अगर लाइन्स में अपने पास ये हो गया, क्या बोल रही पैरल लाइन ये हो गई, यहां से साफ ये ट्रांसवर्सल हो गया इस टाइप से, तो ये जो एंगल होते हैं ये तो अल्टरनेट इंटीरियर हो गए, इसी टाइप से इस साइड में ये तो अल्टरनेट हो गए। अगर सेम साइड की बात करें, ये वाले ये और ये सेम साइड में हो और सेम साइडेड एंगल्स का सम 180 होता है, इसके अलावा ये अपने पास ऊपर वाला और ये ऊपर वाला कोरस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं, ये इक्वल होते हैं और ये सेम साइडेड एंगल्स का सम, एडजेसेंट सेम साइडेड एंगल्स का सम कितना बनेगा इसमें 180। तो लाइंस को पैरेलल प्रूव करने के लिए जो पैरेलल लाइंस में कंडीशंस यूज होती है उसमें से एक भी होल्ड हो जाए तो वो लाइंस पैरेलल बोली जा सकती है, यानी सेम साइडेड एंगल्स का सम 180 प्रूव हो जाए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल प्रूव हो जाए या कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल प्रूव हो जाए तो लाइंस को पैरेलल बोल सकते हैं। अब इसमें हम इसको अपोजिट एंगल्स इक्वल दिखा के पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं या इस और इस एंगल का सम कितना दिखा सकते हैं 180 और सेम साइडेड एंगल्स का सम 180 प्रूव हो जाए तो इसको इन दोनों लाइंस को पैरेलल बोल सकते हैं हम।
और अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाए तो दोनों ये क्वाड्रिलेटरल क्या प्रूव हो जाएगा, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में फिर दोनों पेयर पैरेलल, यानी ये और ये वैसे भी पैरेलल थी ये लाइंस, तो ये भी पैरेलल प्रूव हो जाएंगे तो पैरेललोग्राम बनना है, ये कंफर्म है। इसका मतलब या तो इसको पैरेललोग्राम प्रूव करवा दो या फिर इनका सम 180, तो इनका सम ही प्रूव करवा लेते हैं। ये एंगल ए का हाफ है, ये एंगल सी का हाफ। ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल बनता है, जैसे अपने पास कोई ट्रायंगल है तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, अगर इसकी कोई भी एक साइड प्रोड्यूस करवा ले हम, जैसे इसका नाम दे दिया ए बी सी और यहां दे दिया हमने डी, तो एक्सटीरियर एंगल ये हुआ। इसकी जो रिलेशन होती है, इसके सामने जो दो एंगल्स बनते हैं ये और ये, इनके साथ होती है, इस एंगल की वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल होती है। जैसे इसको हम एक्स और वाई मान लें तो ये जो एंगल आएगा एक्स प्लस वाई के इक्वल आएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर ट्रायंगल में दो एंगल्स है तो तीसरा एंगल हम निकालें, तीसरा एंगल निकालें तो 180 में से दो का सम माइनस करवाएं, ऐसे ही निकलेगा थर्ड एंगल। तो अगर ये एक्स और ये वाई है तो थर्ड एंगल ये आ गया। अब इस एंगल की वैल्यू निकालें तो ये एंगल अंदर वाला और ये बाहर वाला, इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो दोनों का जो सम है वो 180 होना चाहिए। तो इसको जैसे हम जेड नाम दे दें, तो यहां से 180 माइनस एक्स प्लस वाई और प्लस में इसके साथ जेड, यानी ये एंगल तो इंटीरियर को रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, और ये एक्सटीरियर को, और ये दोनों लीनियर पेयर बनाते हैं तो दोनों का सम 180 होना चाहिए। अगर ब्रैकेट हटा लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट के साथ कुछ नहीं है इसमें, इस रिजल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये 180 और ये x प्लस वाई दूसरी साइड में ले जाएं z की वैल्यू निकालने के लिए, तो z इज इक्वल टू 180, ये 180 इस साइड में, दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस, और ये नेगेटिव वैल्यू किसकी हो जाएगी, प्लस की, ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो जीरो। इसका मतलब z की वैल्यू क्या होगी, x प्लस वाई, जो इन दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल है। तो ट्रायंगल में अगर एक्सटीरियर एंगल बनता है तो उसकी जो वैल्यू है अपोजिट इंटीरियर के सम के इक्वल होती है। इस रिजल्ट को हम इसमें यूज करेंगे, किसकी वैल्यू निकालने के लिए, इस एंगल की वैल्यू निकालने के लिए। इसकी वैल्यू निकालें तो जैसे हमने अभी ट्रायंगल में दिखाया था उसके अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल की बात करेंगे एफ बी सी की। एफ बी सी में हम एफ पॉइंट पे एक्सटीरियर एंगल निकाल रहे हैं तो उसका जो सम है बी और सी पॉइंट वाले एंगल्स के सम के इक्वल आना चाहिए। तो सी पॉइंट पे ये एंगल बनेगा जो सी का हाफ लिखा जा सकता है, हाफ ऑफ एंगल सी, हाफ ऑफ एंगल सी, और ये एंगल बनेगा बी पे, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस एंगल बी। और ये जो एंगल है अपने पास हाफ ऑफ एंगल ए, ए को बाइसेक्ट किया था तो ये ए का हाफ बच गया था और ए का हाफ नीचे बच गया था, तो इसको हम सॉल्यूशन में कैसे लिखें, तो हमने इस एंगल को ए बाई टू लिखा है जिसको हम ए ई बी बोल सकते, ई ए बी, ई ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए, ए का मतलब डी ए बी, डी ए बी यानी कंप्लीट एंगल ए, तो इसको हम डी ए बी भी लिख सकते हैं, डी ए बी। इसको सी वाले को हाफ ऑफ एंगल सी को क्या लिखें फिर इस हिसाब से, एफ सी बी, एफ सी बी, फिर हाफ नहीं लिखेंगे, सी को कंप्लीट सी को क्या लिखेंगे, डी सी बी, यानी हमने क्या लिखा है, डी सी बी, डी सी बी का मतलब कंप्लीट एंगल सी, इसका अगर हाफ करें हम तो किस एंगल की वैल्यू आ सकती है, एफ सी बी की, एंगल एफ सी बी, एफ सी बी का मतलब एफ से स्टार्ट करें सी पे पहुंचे और फिर बी की साइड में, इस एंगल की वैल्यू पूरे सी के हाफ के इक्वल, और पूरे सी को डी सी बी लिख सकते हैं। इनको यूज किया था हमने।
इसके बाद हमने निकाला है ये एंगल, इस एंगल को क्या बोले हम ए एफ सी लिख सकते हैं, एंगल ए या ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग इसको क्या लिख सकते हैं हम सी एफ ए बी लिख सकते हैं, सी एफ ए ही लिख लो, एंगल सी एफ ए, इसको क्या लिख लिया सी एफ ए, और इसकी वैल्यू क्या लिख दी फिर हमने एफ सी बी और प्लस में एंगल बी। इसका रीजन क्या दिया था हमने एक्सटीरियर इन ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स, ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो इक्वल आएगी सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के, उस हिसाब से इस एंगल की वैल्यू इस एंगल के और इस एंगल के सम के इक्वल यहां दिखा दिए। अब हम इन दोनों एंगल्स का सम निकालेंगे, अगर इन दोनों का सम 180 प्रूव हो गया तो ये दोनों लाइन से पैरेलल बोल ली जा सकते। नाउ अब हम सम करें किसका, ई ए एफ, एंगल ई ए एफ प्लस ई एफ के अलावा सी एफ ए, सी एफ ए यानी इसका और इसका हम सम करवा रहे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ई ए एफ को हमने पहले निकाल के रखा था 1/2 एंगल डी ए बी प्लस दूसरे वाले को सी एफ ए को सी ए सी ए एफ, इसका मतलब इस एंगल को इन दोनों का सम लिखना था हमने, सी एफ को क्या लिखना था एफ सी बी प्लस एफ सी बी को बाद में चेंज कर लेंगे एंगल बी, 1/2 एंगल डी ए बी यानी ए का हाफ, इसको हम सी का हाफ, हाफ ऑफ एंगल डी सी बी प्लस एंगल बी। ए और सी दोनों एंगल्स अपोजिट एंगल्स होने के कारण क्या है इक्वल, तो इनके हाफ भी क्या हो जाएंगे, जब दो चीजें इक्वल होंगी तो उनके हाफ भी क्या होंगे इक्वल, यानी ये जो पार्ट है ए का हाफ और ये जो पार्ट है ये सी का हाफ, और कंप्लीट सी और कंप्लीट ए इक्वल है तो ए का हाफ और सी का हाफ भी क्या होंगे इक्वल, तो इन दोनों को हम एक ही रिजल्ट में लिख लेते हैं एंगल ए के हाफ में, यानी ये जो सी का हाफ है ये ए के हाफ के इक्वल ही है, इसलिए इसकी जगह भी हम ए का हाफ ही लिख लेते हैं, और ए के हाफ की जगह हम ये वैल्यू दिखा लेते हैं आपकी बार, ये भी ए का हाफ है और ये भी ए का हाफ, तो इसका मतलब इसकी जगह लिख लेते हैं डी ए ई, डी ए ई प्लस एंगल बी, और जो चेंज हमने किया है तो फिर जो चेंज हमने किया है उसका रीजन दे देते हैं, हाफ ऑफ एंगल डी सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए, ये सी का हाफ है और ये ए का हाफ, इसलिए हमने ए के हाफ को आप डी ए ई लिख दे, और ये जो ए का हाफ था इसकी जगह क्या लिख दे हम, ऊपर वाला पार्ट लिखा गया ए का, यानी कंप्लीट ए में कन्वर्ट करने जा रहे हैं हम इसको, ए का ऊपर वाला पार्ट ये है और नीचे वाला ये है, तो इसको ए के हाफ को हम ई ए बी भी लिख सकते हैं, तो ये जो ए का हाफ है इसको ई ए बी, डी ए बी का मतलब क्या था कंप्लीट एंगल ए, और इसके हाफ को हम ये भी लिख सकते और ये भी, तो ये ऊपर हमने सी वाले को कन्वर्ट करके लिख लिया था और ए का ये पार्ट बच रहा था, ये ए के हाफ को अब लिख देंगे ए के हाफ को ये एंगल, तो इसको नाम दे सकते हैं हम ई ए एफ या ई ए बी भी दे सकते हैं, प्लस एंगल डी ए ई प्लस एंगल बी, इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, हाफ नहीं लिखेंगे ना, कंप्लीट ए के हाफ को ये ए के इस पार्ट में लिख सकते हैं और इस पार्ट में, तो ये लिख लिया हमने, अब ए के दोनों पार्ट्स का सम हो गया, दोनों पार्ट्स के सम को कंप्लीट एंगल ए लिख सकते हैं,
कंप्लीट एंगल ए प्लस कंप्लीट एंगल ए को वो लिख देते हैं भाई पूरा, क्योंकि इस पे दो तीन एंगल्स बन रहे हैं, डी ए बी लिख देते हैं प्लस एंगल बी इज इक्वल टू, ये वैल्यू निकाले। और ये पैरेललोग्राम में कंप्लीट एंगल ए यूज हुआ और कंप्लीट एंगल बी यूज हुआ, कितना हो गया 180 डिग्री। इसका रीजन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब हमने प्रूव करवा लिया है कंप्लीट ये एंगल ए और ये बी एंगल कितना हो गया 180, ये इस रीजन हमने अभी इसका दे दिया है। लेकिन ये वैल्यू निकाल किसके रहे थे हम, इन एंगल्स की। देयरफॉर अगर एंगल ई ए एफ इक्वल बन ई ए एफ और सी एफ ए इनका सम अगर 180 बन रहा है, सो ई ए पैरेलल बोली जा सकती है किसके, सी एफ के। ई ए ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल बोली जा सकती है, क्योंकि यहां से कंजुगेटिव इंटीरियर या एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 प्रूव हो गया है। जैसे हम पैरेललोग्राम में यूज करते हैं एडजेसेंट एंगल्स का सम 180, तो उसमें लाइंस पैरेलल होती है, इसीलिए हम एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 प्रूव करते हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 प्रूव हो रहा है किसी क्वाड्रिलेटरल में, तो उसमें ये जो पेयर बनता है एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 प्रूव करवाने वाले जो दो लाइंस यूज होती हैं, वो दोनों पैरेलल होती हैं। तो अगर इसका रीजन देना चाहो तो यहां क्या देंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180। एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 है, इसलिए ये लाइंस क्या है, पैरेलल। तो पैरेलल होते हैं तो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 हम यूज करते हैं, और सम 180 प्रूव हो जाए तो लाइंस को हमें पैरेलल बोल सकते हैं। तो इस चीज को हम इस टाइप से प्रूव कर सकते हैं।